वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम मेडिकल नॉलेज में। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम एक टैबलेट पेरिनोम के बारे में। तो बात करते हैं फ्रेंड्स पेरिनोम टैबलेट के बारे में। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसकी और बात करेंगे फ्रेंड्स इसके यूजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में और साल्ट के बारे में, पेरिनोम टैबलेट के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी साल्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें मेटोक्लोप्रामाइड होता है साल्ट्स, और इस बात करें इसकी कंपनी के बारे में तो फ्रेंड्स इपका कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चर के बारे में फ्रेंड्स, तो इसकी एक्सपायरी जुलाई 2024 है फ्रेंड्स। तो बात करें इसकी MRP के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें कुछ 13 रुपीज़ पर 10 टैबलेट्स की MRP है फ्रेंड्स। तो अगर आप कभी भी कोई मेडिसिन वगैरह खरीदें तो फ्रेंड्स इसकी MRP और एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात करें इसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो फ्रेंड्स यह है 5 mg, यानी कि 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम, दो स्ट्रेंथ में आपको मिलती है फ्रेंड्स। बात करें इसके ब्रांड के बारे में तो यह आपको मार्केट में किस ब्रांड से या किस नाम से मिलेगी तो फ्रेंड्स यह आपको मार्केट में पेरिनोम, वोमिनोर या रेगलान आदि ब्रांड नेम से मिल जाएगी मार्केट में आपको। और इन सब ब्रांड नेम अलग होता है फ्रेंड्स, या साल्ट्स इन सब में एक ही होता है मेटोक्लोप्रामाइड, और काम भी एक ही होता है फ्रेंड्स। तो बात करें इसके यूजेस के बारे में तो यह एक एंटीमेटिक मेडिसिन है जो उल्टी को रोकने में प्रयोग में लाई जाती है फ्रेंड्स। उल्टी आपको कई प्रकार से या कई वजह से आ सकती है, तो बात करते हैं उन वजहों के बारे में। तो सबसे पहले आपको किसी भी कारण से अगर आपको वोमिटिंग हो रही है आपको, तो यह दी जा सकती है। ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया होने के कारण आपको पोस्ट वोमिटिंग हो रही है, या आप माइग्रेन के कारण जो सर में दर्द होता है उसके कारण आपको वोमिटिंग हो रही है फ्रेंड्स। किसी भी दवाई को खाने के बाद उल्टी का आना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, या मॉर्निंग सिकनेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह उठने के बाद उल्टी, मितली आदि प्रॉब्लम नज़र आती है फ्रेंड्स, उसमें भी यह प्रयोग में लाई जाती है। किसी पेशेंट का इमरजेंसी ऑपरेशन करना हो और उसको जनरल एनेस्थीसिया देना हो, और उस गलती से उसने पेशेंट ने 4 घंटे पहले कुछ खा लिया हो, तो पेट को खाली करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट जो खाना होता है वो पेट से बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। यह अपच जैसी प्रॉब्लम, यानी कि जो डिजीज़ होती है, जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, हिचकी के साथ में हमारे मुंह में जो खाना होता है फ्रेंड्स, वो मुंह में खाना आ जाता है हिचकी के साथ में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो फैट काम कैसे करती है, कैसे काम करती है ये, तो फ्रेंड्स हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जो खाना होता है फ्रेंड्स, जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के रिदम को तोड़े बिना ही मूवमेंट को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे खाना आगे की ओर चला जाता है फ्रेंड्स। इसका यही काम होता है। और जैसे कभी कभी उल्टी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ये जैसे हमने ये ली तो यह कैसे काम करती है, लेने के बाद में जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में खाना होता है वह आगे निकल जाता है, हमारे पेट में खाना रहता ही नहीं है, हमारा पेट खाली हो जाता है, इसी वजह से हमारी उल्टी आनी बंद हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही कम केसेस में ये दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे होते हैं तो जैसे नंबर 1 सेडिटेशंस, जैसे नींद, चक्कर आना, नींद से आना, या डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है फ्रेंड्स। इनके सर दर्द हो सकता है, या आपका फास्ट मोशन हो सकता है, लूज मोशन नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन आपका मोशन फास्ट हो जाता है, या आपका एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है फ्रेंड्स आदि, ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो अक्सर कुछ केसेस में हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये टैबलेट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं लेनी चाहिए। अक्सर ये साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबे टाइम तक टैबलेट लेने से ही ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो नॉर्मल टाइम है फ्रेंड्स, इसमें अगर इसी टाइम में हम लेते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसको रोककर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए।